तो गाइस अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हो ना, वो वीडियो अभी से 1 साल पहले का है और उस वक्त मुझे उतना ब्लॉगिंग करने नहीं आता था, बोलने नहीं आता था और अभी ठीक से नहीं आता है गाइस। अभी मैं कोई प्रो नहीं हो चुका हूँ, बट उसमें मतलब एकदम नया नया ही था। और ये वीडियो मैंने अपने पहले वाले चैनल पे डाला था, मतलब कि वो चैनल नहीं था गाइस, कोई भी सेटिंग उसमें इनेबल, कोई भी सेटिंग उसमें ऑन नहीं था गाइस। और गाइस यूट्यूब जैसी मैं आईडी से लॉगिन होता ना, तो बस वैसा ही था, तो उस पर कोई भी चैनल वगैरह ये सब बना नहीं था, बस ऐसे ही हम वीडियो डालते थे। तो वीडियो का मजा लो गाइस। डाल दिए अब इसको मिक्स कर देंगे। तो गाइस इसमें गरम मसाला और धनिया का पत्ता डाल चुके हैं और इसको हाँ इसमें आप बादाम भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ ज्यादा नहीं डालो। सो हे गाइस व्हाट्स एवरीबॉडी, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी समोसा खाने का मन कर रहा है। सो आज समोसा बाहर से नहीं लाएंगे, आज समोसा घर पे ही बनवाएंगे। सो पापा समोसा बहुत ही अच्छा बनाते हैं और पापा मम्मी, सो पापा समोसा बनाएंगे और उसके लिए आलू लेकर आना पड़ेगा। सो क्योंकि घर में जितना आलू है उतना काफी है नहीं। ठीक है पहले आलू लेके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस आलू लेकर आ चुके हैं, यादू ने बगल में ही जाना था। सो एक छोला आलू है, मतलब कि ये 4 kg आलू है। तो गाइस चलते हैं आलू लेकर और फिर उसके बाद। तो गाइस आलू लेकर आ चुके हैं और आलू रख दिए किचन में। और गाइस आज का सारा वीडियो मतलब समोसा के रेसिपी के ही ऊपर होगा। तो आज कोई टूट नहीं, कहीं इधर जाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समोसा का रेसिपी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहे आखिर तक। तो गाइस इसमें आलू उबल चुका है और सीटी वगैरह भी पूरा निकल चुका है। और ये रहा बादाम, जो कि बादाम भी इसमें डलाएगा आलू में, मस्त लगता है आलू। सॉरी बादाम और मटर आप कुछ भी रख सकते हैं या दोनों साथ में रख सकते हैं। अगर मटर नहीं है या बादाम नहीं है तो कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। सो गाइस बादाम ही डालेंगे मस्त सा आलू में मिक्स करके। और इसमें आलू है जो कि उबल चुका है, थोड़ी देर बाद आपको दिखला। तो गाइस ये देखिए अपनी एकदम रेडी होके बैठी हुई है और कितनी ही प्यारी कितनी ही मस्त लग रही है अपनी। हाय बोलो, हाथ से बोलो, हाथ से बोलो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। तो गाइस बच्चे ने बोला है लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, सो प्लीज आप लोग बच्चे की बात माने। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे कर दें और जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। सो गाइस टीवी देख रही मम्मी और ये रही मम्मी, ये रही दीदी। सो ठीक है गाइस अब आलू उसमें से निकालते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आलू को कुकर से निकाल चुके हैं और आलू का सारा छिलका अभी हट चुका है और मम्मी आलू को मतलब मैश कर रही है, मतलब ज़्यादा मैश भी नहीं करना है, मतलब हाथ से ही करेंगे, थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। और उधर दीदी अदरक वगैरह ये सब काट रही हैं, उसको भी अच्छे से पूरा पीस देंगे, लहसुन वगैरह ये सब, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है और बस। सो गाइस उन क्या हुआ मम्मी? हाँ सो गाइस उसको वो मसाला आलू में जाएगा। सो ठीक है गाइस। सो गाइस ये देखिए अपनी डांस कर रही है। क्या हाय हाय कर रही हो पतली कमरिया? हाय हाय आओ इधर आओ। सो गाइस दीदी मैदा सान कर रख चुकी है और इसमें है जमाइन है, नमक है और रिफाइन है। और गाइस इसको थोड़ा टाइट ही मतलब सानेंगे क्योंकि समोसा के लिए थोड़ा टाइट ही चाहिए और अगर ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो फिर समोसा ठीक से बन नहीं पाएगा। तो गाइस जब भी साने समोसा के लिए तो थोड़ा टाइट ही साने और इसको 15 मिनट के लिए सान कर रख दें क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जैसे कि अभी हो चुका है ये देखिए। और गाइस इसमें बादाम है जो कि मसाले में जाएगा आलू में समोसा के लिए, आलू में हो चुका है सो आलू में ये मिक्स होगा। और ये देखिए गाइस ये रहा टाइट खुलेगा, खोलो देखो
सो गाइस ये मिर्च है, लहसुन है और अदरक है जिसका कि पेस्ट बना हुआ है, ये भी मसाला ही में जाएगा आलू में। तो गाइस ठीक है, तो गाइस उसमें कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं और ये है पचफोरन और मेथी। ये समोसा के आलू के लिए ही बन रहा है, इसी में मसाला बनेगा। और ये वही पेस्ट है लहसुन का, मिर्च का और अदरक का। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई जरूर करें। तो गाइस 1.5 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का पानी भी डाल देंगे जिससे मसाला हल्का अच्छे से पक जाए। और गाइस इसमें स्वाद अनुसार नमक भी रख लेंगे। और गाइस पानी इसलिए रखते हैं क्योंकि मसाला थोड़ा पक जाए। ये स्वाद अनुसार नमक, अब इसको थोड़ा सा भूजेंगे, उसके बाद इसमें आलू डालेंगे, फिर वो बादाम जो फ्राई होकर रखा हुआ है उसको भी इसमें डालेंगे। गाइस अपनी गोदी में चढ़ चुकी है, इसको भी देखना है। क्या देखना है तुमको? समोसा बन रहा है वो, तो गाइस इसको भी देखना है कि क्या बन रहा है। तो इस वजह से गोदी में चढ़ गई। किसी दे देखो फ्लाइंग, किसी दे देखो फ्लाइंग, किसी देखे देखो फ्लाइंग, किसी हाथ ऐसे हाथ से। तो गाइस इसका भी मूड नहीं है किसी बाय कर दो। तो गाइस मसाला पक चुका है और इसमें अब आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस अभी फिर गोदी में चल गई, अपनी गर्मी बहुत है नीचे। तो देखो क्या बन रहा है, देखो देखो समोसा बन रहा है। क्या बन रहा है? समोसा। तो गाइस इसमें गरम मसाला और धनिया का पत्ता डाल चुके हैं और इसको इसमें आप बादामी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ ज्यादा नहीं डालो। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं ठीक है, उतना पूरा डाल दोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अब कुछ करना है नहीं। सो गाइस ये समोसा के साथ खाने के लिए दीदी ने चटनी बनाई है जिसमें कि लहसुन है, धनिया का पत्ता है और मिर्ची है और थोड़ा सा तेल और नमक स्वाद अनुसार। और गाइस ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है, सो एक बार आप लोग भी बनाकर देखें, बहुत ही मस्त लगेगा। और ये समोसा के साथ खाने में और ही मस्त लगता है, मतलब क्या ही लगता है ना, क्या ही बताऊँ। तो गाइस ये समोसा के साथ खाएंगे इसको। तो गाइस पापा दुकान से वापस आ चुके हैं और सब कुछ, मतलब सब कुछ मसाला वसाला सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। बस पापा मैदा को बेल रहे हैं और उसके बाद समोसा का सेप देंगे। और उधर कढ़ाई में दीदी रिफाइन रख दी है, वो भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। क्या कर रही हो अपनी तुम? तो गाइस पापा समोसा बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही मस्त लाजवाब। तो गाइस रिफाइन भी अब गर्म हो ही चुका है और पापा को समोसा बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और आलू वालू समोसा का मसाला इसलिए हम लोग रेडी कर लिए थे, दीदी और मम्मी मिलकर रेडी कर ली थी क्योंकि पापा को दुकान से लेट हो जाता है ना आने में। तो अगर अभी सब कुछ स्टार्ट करते मसाला वसाला बनाना आलू वगैरह तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाता है। इस वजह से आलू वालू सब कुछ मसाला रेडी करके दीदी मम्मी रख चुकी थी और पापा आए हैं दुकान से, तो फिर अभी उसको बेल रहे हैं और फिर उसको कट करके फिर उसमें जैसा समोसा का भरा जाता है फिलिंग दिया जाता है, उसके बाद उसको जो सेप दिया जाता है वैसा बनाएंगे पापा। तो वैसे पापा समोसा लिट्टी वगैरह ये सब बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो गाइस पापा आलू भर रहे हैं समोसा में, वो देखिए समोसा का पट्टी ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर थोड़ी अच्छा लगेगा।
थोड़ा मोटा रहेगा तभी ना खस्ता रहेगा, ज्यादा पतला करोगे तो फिर वो नहीं ऐसा ही होगा। तो गाइस आलू उसमें भर चुका है और पापा उसको सेब दे रहे हैं समोसा की तरह। खैर आप कोई भी सेब दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा आपका मन उस डिजाइन में आप कर सकते हैं। और गाइस उसको मतलब पट्टी को चिपकाने के लिए आपको पानी का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पे पानी है, जैसे कि देखिए पापा भी लगा रहे हैं, सो वो लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो चिपकेगा ही नहीं। अगर चिपकेगा नहीं तो फिर आलू में सारा रिफाइन चला जाएगा। क्या कर रही हो अभी तुम, खेल रही हो? ये क्या है, क्या है ये? परोठा? पोछा? समोसा? अरे समोसा नहीं है, समोसा तो देखो उधर नाना जी बना रहे वो है। ये तुम क्या बना रही हो चक्कू के साथ? टिकरी बना रही हो क्या? मठरी? ऐसा समोसा नहीं होता आदमी, नहीं ऐसा नहीं होता है। सो गाइस समोसा में आलू भरा चुका है और दीदी समोसा को रिफाइंड में डाल चुकी है। और ये देखिए ज्यादा तेज आंच नहीं करेंगे वरना झड़क जाएगा वो। हाँ गैस तेज था ना, गैस का फ्लेम स्लो कर दो। तो गाइस पांच समोसा उसमें डाला चुका है और अभी इधर पापा और भर रहे हैं और दीदी भी इधर भर रही है जल्दी जल्दी। सो गाइस ये देखिए क्या ही मस्त कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। और इसके आलू का मतलब टेस्ट इतना मस्त है ना क्या ही बताए। और ये निमकी जो है आदमी के लिए है। क्यों चिल्ला रही है अम्मी? सो गाइस ये देखिए क्या ही मस्त समोसा बना है, क्या ही मस्त, क्या ही कलर आया है इसका। ओहो आलू में ही इतना खुशबू आ रहा था खाने के बाद, क्या ही मजा आएगा गाइस। सो गाइस ये देखिए समोसा बन के रेडी हो चुका है, क्या ही मस्त कलर आया और क्या ही क्रिस्पी लग रहा है एकदम मस्त सा, बहुत ही गर्म है गाइस। सो प्लेट में निकालते हैं फिर आपको दिखलाते हैं। गाइस ये देखिए ये रहा प्याज और ये है चटनी जो दीदी उसमें बनाई थी समोसा के साथ खाने के लिए। और ये समोसा क्या ही मस्त कलर आया है, लहसुन धनिया और मिर्ची का ये चटनी है जो कि बहुत ही मस्त लगता है। एक बार आप भी ट्राई करें और रेसिपी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सो एक बार आप भी बनाकर देखें बहुत ही मस्त लगेगा और बहुत ही मतलब बेहतरीन है समोसा, बहुत ही बेहतरीन। सो एक बार आप लोग भी ट्राई करें। तो गाइस समोसा बनकर रेडी हो चुका है और अब खाएंगे और क्या। तो गाइस समोसा बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी है, एक बार मैंने ट्राई किया है सो बहुत ही टेस्टी है। और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं क्योंकि ये तो छोटा मोटा रेसिपी था, सो आज कोई ब्लॉग कोई इधर उधर जाना नहीं, सिर्फ रेसिपी के ऊपर था वीडियो समोसा के रेसिपी के ऊपर। सो एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करें, चेक करें मतलब क्या ही समोसा बना है, सच बतला रहे मतलब क्या ही। उसका आलू जब बन रहा था ना तभी इतना मस्त खुशबू आ रहा था ना, सो रेसिपी तो उसमें है ही, आप लोग देख सकते हैं और एक बार बनाकर देखिए और टेस्ट कीजिए और बतलाइए कि कैसा लगा और कैसा नहीं आप लोगों को भी। सो ठीक है गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर दे और जितना जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो ठीक है गाइस मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।